चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है अमीटर ए रीड्स 2 एम्पियर एंड द वोल्ट मीटर वी रीड्स 20 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर क्या होना चाहिए? तो देखो, अगर ये 2 एम्पियर की करंट को रीड कर रहा है और हम वोल्ट मीटर की मानते हैं कि रेजिस्टेंस जो वोल्ट मीटर का होता है 6000 ओम टू 10000 ओम की रेंज में होता है, तो अगर ये 2 एम्पियर की करंट इधर से आ रही है, यहाँ एक जंक्शन है, तो मैक्सिमम करंट तो इधर जाएगी और बहुत थोड़ी सी करंट इधर जाएगी, बहुत थोड़ी सी करंट इधर जाएगी, जाएगी जरूर, ठीक है, क्योंकि इन्फिनेटिव तो है नहीं वोल्ट मीटर, इन्फिनेटिव रेजिस्टेंस का तो है नहीं रेजिस्टेंस जो वोल्ट मीटर, आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनेटिव माना जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लैब में यूज होता है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 6000 टू 10000 ओम की होती है, तो थोड़ी करंट तो इधर जाएगी, और अगर मान लेते हैं 2 एम्पीयर की करंट आ रही है तो 1.9 इधर चली गई, 1.9 एम्पीयर की करंट इधर चली गई और इधर 0.1 एम्पीयर की करंट चली गई, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई होगा, V की वैल्यू इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, उसकी वैल्यू V 20 वोल्ट नाप रहा है, मेजर कर रहा है, और अगर इधर जा रहा है 1.9 तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू मोर देन 20 आएगी कि नहीं आएगी, सॉरी मोर देन 10 आएगी कि नहीं आएगी, ये वैल्यू अगर ये 2 होता तब ना 10 आता, लेकिन ये 2 से भी कम है तो ये वैल्यू 10 से ज़्यादा आएगी, 10 से ज़्यादा आएगी, मोर देन 10 यानी ऑलमोस्ट, ये वैल्यू अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको इरेज करके, इसको ऐसे लिख दूँ तो ये लिख सकता हूँ 10.2 लिख दो, तो ग्रेटर देन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हुआ कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।